तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीए बीएससी बीकॉम के आप एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम देना, एग्जाम आने वाले हैं तो एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करना होगा। तो आज किस वीडियो में पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आपको कैसे डाउनलोड करना, क्या प्रोसेस है, पूरी जानकारी मिलेगी। तो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी बीए बीएससी बीकॉम एडमिट कार्ड के बारे में, ठीक है। तो वीडियो में थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं, तो आपको पूरी वीडियो देखनी है, ठीक है। तो चलिए, ये वेबसाइट पे हम आरएमएलयू की यानी कि राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे हैं। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप इससे डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएंगे, ओके। तो जैसे आप नीचे जाएंगे वेबसाइट ओपन करके, ओपन करने के बाद यहाँ पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट के पास कुछ भी डिटेल नहीं है कि कैसे मैं डाउनलोड करना है एडमिट कार्ड, अभी मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे डाउनलोड एडमिट कार्ड बीए बीएससी, ओके, ये वाला आप टैग पढ़िए पूरा, यहाँ तक पूरी दिया गया है, बीए बीएससी बीकॉम एमकॉम पूरी डिटेल यहाँ पे। इस पर आपको क्लिक करना है, फाइनली क्लिक कर दिया, उसके बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मांगेगा कैंडिडेट फॉर्म नंबर नंबर। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन होगा कि कैंडिडेट फॉर्म नंबर क्या है, तो भाई आप लोगों को बताना ही होगा कैंडिडेट फॉर्म नंबर। तो ये आपको कॉलेज से मिलेगा, ओके। तो यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, सेकेंड नंबर पे आपको देख पा रहे होंगे, सेकेंड नंबर पे डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ तो आपको मालूम है, लेकिन कैंडिडेट फॉर्म नंबर कहाँ से आप लाएंगे, तो इसके लिए आपको कॉलेज जाने की जरूरत पड़ेगी। तो मैं थोड़ा सलूशन इसका निकाल देता हूँ कि अगर कैंडिडेट फॉर्म नंबर नहीं है तो आप कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए बैक होते हैं हम थोड़ा सा। बैक होने के बाद आपको दूसरी जो टैग दिख रही है, दूसरा जो हाईलाइट ऑप्शन दिख रहा है, मेन एग्जामिनेशन फॉर्म सीजन 2019-2020, ओके, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, उसके बाद सबसे नीचे आपको जाना है। सबसे नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है फाइंड एग्जामिनेशन फॉर्म नंबर पे, इस पर क्लिक करना है, ओके। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, तो यहाँ पर आप लोगों को मांगेगा फाइंड एग्जामिनेशन फॉर्म नंबर। देखो अभी ऊपर जब मैंने दूसरा टैब ओपन किया था जहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करना था, वहाँ फॉर्म नंबर मांग रहा था, लेकिन फॉर्म नंबर तो हमारे पास था नहीं। तो फॉर्म नंबर प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या होगा, एडमिशन नंबर, जब आप एडमिशन कराते हैं तब आपको एक नंबर जनरेट होता, वो डालना होगा इसमें, तब आपको फॉर्म नंबर मिलेगा। या आपको प्रीवियस रोल नंबर, यानी कि आप बीएससी सेकेंड ईयर में हैं, ठीक है, तो बीएससी फर्स्ट ईयर का आप लोगों को रोल नंबर डालना है, ओके। अगर बीए सेकेंड ईयर में है तो बीए फर्स्ट ईयर का, यानी कि प्रीवियस ईयर का आप लोगों को, एक साल पहले का जो भी आप लोगों का रोल नंबर रहा होगा उसको आपको इसमें इंटर करना है, ठीक है, या फिर एडमिशन जो आपने कराया उसको इंटर करना है, या फिर आपको यूआईएन नंबर इसमें इंटर करना है। उसके बाद डीओबी करेंगे, डीओबी करने के बाद सबमिट करने के बाद आपके सामने आपका फॉर्म नंबर ओपन होके आ जाएगा, ठीक है, ट्राई जरूर करिएगा। उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, जब फॉर्म नंबर आपको मिल जाएगा तो उसे कॉपी कर लीजिएगा और बैक हो जाइएगा, या कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। नोट डाउन करने के बाद आपको फिर से वहाँ पर डाउनलोड पे आ जाना है एडमिट कार्ड पे। उसके बाद यहीं पर आप लोगों ने जो अभी फॉर्म नंबर कॉपी किया है या लिखा है अपने बुक पे, कहीं पे भी लिखा है कॉपी पे, तो वही यहाँ पर आपको टाइप कर देना है, या कॉपी किया तो उसे पेस्ट कर देना है, ठीक है। एग्जाम्पल ऐसे होगा आप लोगों का जो भी होगा फॉर्म नंबर ऐसे। उसके बाद यहाँ पर आपको डीओबी डालनी है, ठीक है। डीओबी डालने के बाद आप लोग क्या करेंगे, डीओबी यहाँ से इस जो आप लोगों को एक कैटेगरी आएगी पूरी, ये बॉक्स, ठीक है, यहाँ से आप लोगों को सेलेक्ट करना है, ओके। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है कि ऐसे आप लोगों को डीओबी डालनी है। डालने के बाद आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड एडमिट कार्ड पे इस पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आपके सामने ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस करके आप कर सकते हैं, मैंने पूरी जानकारी एक ही वीडियो में दे दी है कि अगर जिन स्टूडेंट के पास फॉर्म नंबर नहीं है वो कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने पूरी जानकारी दे दी है। जिन स्टूडेंट को अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो वीडियो दोबारा देख लीजिए, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है और टेलीग्राम चैनल भी है, तो प्लीज़ आप हमसे ज्वाइन हो जाइए उस पर, हम उस पर आप लोगों को जो भी आपका प्रॉब्लम होगा उसका हम सलूशन कर देंगे, ठीक है। तो आप ऐसा करके आप अपना डाउनलोड कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम होगी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बोल ही दिया है, चैनल का लिंक है दोनों का,
तो आप उस पर हमें संपर्क कर लीजिए, मैं आपको पूरी डिटेल प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, ठीक है। अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो बेशक कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका 100% रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करते हैं। आपको मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।